नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको एक ऐसा यंत्र दूंगा जिससे कि आप अपने साथी को क्षण भर में अपने समीप ला सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि शुद्ध शहद का प्रयोग करना है। बस कहीं से भी, सबसे बड़ा काम यही है कि आप शुद्ध शहद एकत्रित कर सके। शहद जो है दो प्रकार का होता है, एक छोटी मक्खी एक बड़ी मक्खी। तो बड़ी मक्खी का शहद आपको प्रयोग में नहीं लाना है। शुद्ध शहद छत्ते से तुड़वा कर आप एक शीशी में भरवा लीजिए। मैं फिर कहना चाहूँगा कि शुद्ध शहद होना चाहिए। जो भी ब्रांड आप देख रहे हैं सब नकली है, किसी का भी शहद मत लीजिएगा। असली शहद अपने हाथों से तुड़वाइए और उसको पैक करवाइए एक कांच की शीशी में। और ये जो मैं यंत्र दे रहा हूँ, इस यंत्र को बनाकर अपने साध्य का नाम बीच में लिख दें। जो भी आपकी प्रेमिका हो, प्रेमी हो, पति हो, जो भी हो, उसका नाम बीच में लिखकर इस बोतल को जमीन में गाड़ दें। यकीन मानिए, ऐसे चमत्कार हो जाएंगे कि जो व्यक्ति आपसे बात भी नहीं करता था वो तड़पने लगेगा आपके लिए, व्याकुल हो जाएगा इतना कि बस रोने धोने के सिवाय उसके पास और कोई काम नहीं होगा। तंत्र की ये प्रकाष्ठा है। अगर ये यंत्र आपने किसी पर लगा दिया तो आदमी आपको देखे बिना बिलकने लगेगा। गूढ़ यंत्रों में से आपको ये यंत्र दे रहा हूं। एक बार लगा दीजिए किसी पर, लेकिन ये तभी लगेगा अगर शहद शुद्ध है। कोई भी ब्रांड का आप अगर लेते हो तो वो शुद्ध नहीं है शहद। खुद तोड़िए या फिर किसी से तोड़वाइए और उस शहद को मोम के साथ किसी बोतल में डालिए और इस यंत्र को अपने प्रेमी का नाम लिखकर उसमें रख दीजिए। इसके बाद इसको ज़मीन में गड्ढा करके उसमें गाड़ दीजिए और फिर देखिए किस तरह से प्रकृति आपके लिए चमत्कार करती है। जो चीज़ें नहीं बन रही थी वो भी बननी शुरू हो जाएंगी। किसी न किसी तरह से, किसी तरीके से वो व्यक्ति आपसे मिलने को इतना व्याकुल हो जाएगा कि बस पूछे ही मत। ये स्वयं सिद्ध यंत्र है, बस आप इसको एक बार कीजिए और उसके परिणाम मुझे ज़रूर बताना। धन्यवाद।